हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको ये एक छोटा सा गर्ल्स का टॉप बोलिए, जैकेट बोलिए, वेस्ट बोलिए, छोटा सा पैटर्न या आप इसको ट्यूनिक बोलिए, ये देखिए ये लेके आई हूँ। बहुत ही इजी पैटर्न है और ये एक बार में आप स्टार्ट करेंगी और पूरा ये बन जाएगा। बैक साइड से हमने इसको स्टार्ट किया है और यहाँ से बनाते हुए फिर फ्रंट के दोनों पार्ट हमने बैक से लाते हुए बनाए हैं। बहुत ही इजी वे है, आप इसको बहुत आराम से बना लेंगी। तो ये देखिए ये, और ये जो मेरा नाप है ये 1 से 1.5 साल के बच्चे का नाप है। 1 से 1.5 साल की लड़की को, बेबी गर्ल को बहुत अच्छे से ये नाप आ जाएगा। और इसमें जो मेरा ऊन लगा है वो बेबी वूल जो है वो 150 ग्राम के लगभग लगा है। तो आप उस हिसाब से अपना पैटर्न बना सकती हैं। अगर आप 2 प्लाई का ऊन लेती हैं तो थोड़ा सा ऊन एक्स्ट्रा लग सकता है, मोटा ऊन रहेगा। ये मेरा बेबी वूल है, हल्का ऊन है, तो ये 150 ग्राम ऊन में हमारा अच्छे से बन जाएगा ये नाप। इसकी जो लेंथ है अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए, टोटल जो इसकी लेंथ है यहाँ नेक के पास से देखिए 14 इंच है और ये 37 सेंटीमीटर है। देखिए लगभग 14 इंच है और 37 सेंटीमीटर है। और इसकी ये जो चौड़ाई है ये देखिए 10 इंच है एंड 26 सेंटीमीटर है। 3 बटन लगे हैं इसमें और मैंने इसको बनाया है 10 नंबर की सिलाई से। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए टोटल 67 फंदे मैंने डाले हैं, 67 फंदे, और इसको हम सीधा सीधा बीनेंगे। तो ये हमारा रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से इसकी शुरुआत है और दोनों तरफ से सीधा सीधा बीनते हुए 9 सिलाई हम बनाएंगे इसकी, जिससे कि राइट साइड पे ये जो हम बीन रही है हमारा राइट साइड पे आएगा, तो राइट साइड पे हमारी 5 गार्टर स्टिच की लाइनिंग आ जानी चाहिए, यानी उल्टी बिनाई वाली लाइनिंग, और रॉन्ग साइड पे ये लाइनिंग 4 आएगी। तो नीचे आप इसका बॉर्डर मानिए या उल्टी बिनाई स्टार्टिंग मानिए, 9 सिलाई टोटल हम बीनेंगे, जिससे कि राइट साइड पे हमारी 5 लाइनिंग आ जाएगी। 5 लाइनिंग राइट साइड पे, टोटल 9 सिलाई हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने बॉर्डर बना लिया है नीचे का, राइट साइड पे देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 है, टोटल 9 सिलाई मैंने बनाई है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 राइट साइड पे है और रॉन्ग साइड पे 1, 2, 3, 4। अब हम इसमें ऊपर का पोर्शन बनाएंगे। तो इसकी जो हमने शुरुआत की है देखिए, आप ये देखिए, तो ये आपको दिख रहा होगा टोटल मैंने 67 फंदे से इसकी शुरुआत की है। और अब हम इसको जो डिवाइड करेंगे देखिए, ये पहले 14, फिर बीच में 13 13 और किनारे 14, ये हमारा पैटर्न है। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। 67 स्टिच मैंने डाले हैं, 67 फंदे, और अब इसका जो डिवीजन हम करेंगे, तो अब देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग के हम 14 फंदे बीनेंगे। ये एक फंदा उतार के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब आप यहाँ पे एक इस तरह से धागा लगा दीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सीधा बिना हमने, ऊन आगे करेंगे। अब हम बीच वाली डिजाइन डालेंगे, तो सबसे पहले ये ऊन आगे करके इस तरह से आप जैसे भी आपको जाली बनाते बने ऐसे, ये देखिए ये जाली बना लिया। अगला फंदा उतार लेंगे
उसके बाद दो का एक करेंगे। ये तीन फंदों की डिजाइन जो हम बनाते हैं जाली वाली, ऐसे देखिए, और जो फंदा हमने उतारा है इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। पांच फंदे फिर से सीधे बीनेंगे, देखिए एक दो तीन चार पांच फंदे हमने बीना, तीन फंदे की हमने डिजाइन बनाई है। एक ये जाली, ये तीन का एक, और एक बार फिर से ऐसे जाली डालेंगे और इसके बाद पांच फंदे सीधे बीनेंगे। एक दो तीन चार और ये पांच, यहाँ पे एक बार फिर आप एक अपना ये धागा लगा लीजिए, पिन लगा लीजिए, जो भी आपको मिल जाए, जो भी आपके पास है। इस तरह से आपको ये 13-13 फंदों का डिवीजन और पैटर्न पता चलेगा कि हमने क्या बनाना है। तो अब देखिए यहां से फिर 13 फंदे हम सीधे बिन लेंगे, देखिए दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये 13। किनारे किनारे 14-14 फंदे रहेंगे, बीच में हमारे 13-13 फंदे रहेंगे। और अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं ऐसे धागा लगा दूंगी और इसके बाद देखिए पांच फंदे सीधे बीनेंगे। एक दो तीन चार पांच, ये देखिए ऐसे सिलाई पे फंदे लपेट के जाली बना लेंगे। अगला तीन फंदे में हमारा जो डिजाइन बनेगा ये फंदा उतार लीजिए। ये दो फंदे जो हैं उनको पहले हम दो का एक करके बिन देंगे ऐसे, और जो फंदा हमने उतारा है इसके ऊपर से ऐसे कर देंगे। फिर से यार्न ओवर करिए और पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, ये देखिए यहाँ पे एक और हम स्टॉपर लगाएंगे। ये देखिए यहां से, और लास्ट के सारे फंदे हम सीधे बिन लेंगे। ये देखिए 13 और ये 14, ये हो गई बॉर्डर के बाद की हमारी पहली सिलाई। अब रॉन्ग साइड से यहां के जो 14 फंदे हैं इसको हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से, जो 14 फंदे हैं ये देखिए ऐसे। अब ये जो हमारा स्टॉपर है, आप चाहें तो इसको यहां से इधर रिपीट कर सकती हैं, लेकिन आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि यहां से आगे हमारा दूसरा पैटर्न है। तो अब यहां से ऊन पीछे करेंगे। पांच फंदे जो हमने राइट साइड से सीधे बीने थे, तीन फंदे की डिजाइन बनाई थी, तो जो पांच फंदे पहले हैं इनको हम सीधा बीनेंगे, रॉन्ग साइड से सीधा बीनेंगे। तीन चार पांच, ऊन अपनी तरफ करेंगे। जो तीन फंदों की हमने डिजाइन बीनी थी इसको हम उल्टा बीनेंगे, एक दो तीन उल्टा, ऊन पीछे करेंगे। फिर से जो पांच फंदे हमारे बचे हैं इनको हम सीधा बीनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, ये देखिए ऊन अपनी तरफ करेंगे। बीच के 13 फंदे जो हैं इनको हम उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए फिर से ऊन पीछे करेंगे यहां से। अब पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, ऊन आगे करेंगे। तीन फंदे जो हमने डिजाइन के रखे थे इनको हम उल्टा बीनेंगे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, ये देखिए ऊन अपनी तरफ करेंगे, बाकी के सारे फंदे उल्टे बिन देंगे लास्ट वाले, एक
दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह। देखिए इस तरीके से ये आएगा हमारा पैटर्न। ये अब तीसरी सिलाई इस पैटर्न की, इस डिजाइन की पूरा सीधा सीधा बिन देंगे। इस बार डिजाइन नहीं पढ़ना है, तो इस बार हम ये वाली सिलाई पूरा सीधी तरफ से, तीसरी सिलाई पूरा सीधा सीधा। जो हमारे टोटल 67 फंदे हैं यानी कि 67 फंदे, इसको हम पूरा सीधा सीधा बिन देंगे। ये देखिए बॉर्डर के बाद की तीसरी सिलाई हमारी जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा इस तरीके से बना लेंगे। तीसरी सिलाई में हमें कोई डिजाइन नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है। अब चौथी सिलाई जो हमारी है वो हम दूसरी सिलाई की तरह बनाएंगे, रॉन्ग साइड से पहला फंदा उतार के 14 फंदे जो हैं उनको हम उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह उल्टा बिन लिया, ऊन पीछे, एक दो तीन चार पांच फंदा सीधा, ऊन आगे, तीन उल्टा, एक दो तीन ऊन पीछे, पांच फंदे सीधे। ये जो बीच के 13 फंदे हैं ये उनका पैटर्न है, वो लाइन है चौथी सिलाई। ये देखिए इस तरह से ये हमारे 13 फंदे इस तरीके से हो जाएंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए इधर से ये 13 फंदे बिल्कुल सादे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। ये देखिए ऊन पीछे, अब यहां पे भी पांच फंदा सीधा, तीन उल्टा, पांच सीधा। ये देखिए इस तरीके से एक दो तीन चार पांच सीधा, ऊन आगे करके, तीन उल्टा, ऊन पीछे करके, एक दो तीन चार पांच सीधा, ऊन अपनी तरफ, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह। देखिए हो गया। अब पांचवी सिलाई पहली सिलाई की तरह बनाएंगे। सबसे पहले 14 फंदा सीधे, ये देखिए 14 फंदा सीधा। अब यहां पे ये जो 13 फंदे हैं, देखिए ये डिजाइन हमने बनाई थी, अब सेम पहली सिलाई की तरह इसको रिपीट करेंगे, पांच फंदे सीधे बीनेंगे, एक दो तीन चार पांच सीधे जाली डालेंगे, अगला फंदा उतार के ये जो तीन फंदे का डिजाइन हमारा है दो का एक करेंगे और ये इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर से सिलाई पे फंदा लपेट के पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। अब अगला जो है ये देखिए 13 फंदा, इसको भी सीधा बिन लेंगे। ये देखिए 13 फंदे सीधे। अब हमारी ये 13 फंदों वाली जो डिजाइन का ये ब्लॉक है, तो अब पहले पांच फंदा सीधा, एक दो
तीन चार पांच, फिर ऊन लपेट के सिरे से सलाई पे, पहला फंदा उतार लेंगे, दो फंदे एक साथ बिन देंगे और ये उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर यान ओवर और एक दो तीन चार पांच सीधा, और ये लास्ट का ये 14 फंदे जो हमारे हैं इसको भी सीधे। ये हमारी पांचवी सिलाई है। अब देखिए ये जो पैटर्न हमने बनाया है, एक बार यहां बनाया, एक बार हमने फिर बनाया, इसी को रिपीट करते हुए एक बार हम और बनाएंगे उल्टी सिलाई, सेम उल्टा जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं दूसरी सिलाई की तरह। अब इसके बाद सीधी सिलाई पूरा सीधा, उल्टी सिलाई फिर सेम वैसे ही, और फिर अगली सीधी सिलाई में हम इसी तरीके से फंदे घटाएंगे। तो ये टोटल देखिए अभी तक ये जो दो लाइनिंग हमारी बनी है, टोटल पांच लाइनिंग हमारी बन जाएगी। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके आगे का बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है, एक ब्लॉक जो इसका बोलिए। तो ये देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, टोटल 10 सिलाई का ये पैटर्न हमारा है। अब यही सेम पैटर्न हमारा इस पे बनेगा और ये हमारा जो है ये प्लेन बनेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। आप चाहे तो बीच में फिर से डिवीजन के लिए ऊन या पिन लगा सकती हैं। और ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहां से एक दो तीन चार पांच सीधा, अब यान ओवर कर लेंगे इस तरीके से, पहला फंदा उतार लीजिए, दो का एक करिए और ये फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे जैसा हमने अभी तक ये वाले पैटर्न में किया। फिर से यान ओवर, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच। अब आप चाहें तो यहां पे अपने याद के लिए या डिवीजन के लिए अपना ये यहाँ पे एक ऐसे स्टॉपर की तरह लगा सकती हैं, जिससे आपको पता चले कि ये डिजाइन हमारा इतना है, रॉन्ग साइड से अब हमको ये उल्टा बिनना है पांच फंदा। अब देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच छः, ये जो डिजाइन अभी तक बन रहा था ये वो वाला है, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये देखिए। अब जो है देखिए ये पहली सिलाई में जो हमने यहां पे डिजाइन बनाया था वो अब यहां बन रहा है, और इस तरीके से अब हमारा ये पैटर्न है। एक स्टॉपर यहां लगा दीजिए इसके आगे। अब देखिए एक दो तीन चार पांच सीधा, ऊन ऐसे लपेट के सिलाई पे, एक फंदा उतार लेंगे, दो का एक करेंगे अगला, और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे और फिर से यान ओवर, पांच सीधा, एक दो तीन चार पांच, फिर से एक स्टॉपर यहां पे लगा लीजिए, तेरह फंदे सीधे बीनेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह। यहां पे एक फिर हम स्टॉपर लगा लेंगे इस तरीके से, और अब फिर से देखिए पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच सीधे, यान ओवर, ये फंदा उतारने के बाद दो का एक, और इसको हम इसके ऊपर से निकाल देंगे, फिर से यान ओवर और एक दो तीन चार
5 फंदे हमारे पैटर्न के और ये एज स्टिच। इस तरह से सारे फंदे हमने सीधे बिन लिए। अब देखिए जिस तरह से हमने अभी तक इन 10 सलाइयों को बनाया है, अब ये 10 सलाई हमारा यहाँ पे ये डिजाइन बनेगा, यहाँ पे ये प्लेन बनेगा, ये ऐसे, ये देखिए। अब इसी को रिपीट करते हुए देखिए एक ब्लॉक हमने बना लिया, टोटल ये 7 बार हमारा ये डिजाइन बनेगा, एक इस पे, एक इस पे। अब इस बार इस पे बन रहा है, फिर जब ये 10 सलाई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये इस पे बनेगा। इस तरह से करते हुए ब्लॉक वाइज टोटल हम ये 7 डिजाइन 10-10 सलाइयों का ये कंप्लीट कर लेंगे इस ब्लॉक को। चलिए इतना कंप्लीट करने के बाद फिर इसके आगे का बनाएंगे। पहले इतनी लंबाई हम कंप्लीट कर लेते हैं नीचे की। ये देखिए ये जो हमारा डिजाइन है, ये देखिए अगर स्टार्टिंग से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, टोटल 7 ब्लॉक जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अब ये जो बनने के बाद है, ये देखिए इसकी जो लंबाई है ये हमारी 9 इंच है, यानी कि 23 सेंटीमीटर, ये 9 इंच हमारी इसकी लंबाई यहां तक हो गई है। और चौड़ाई अगर आप देखिए इस तरह से, अगर ये देखिए 27 सेंटीमीटर है, लगभग 11 इंच। इतना बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर का पोर्शन बनाएंगे। तो अब इसके लिए देखिए ये जो 14 फंदे हैं इसको हम सीधा ही बिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये जो स्टार्टिंग के हमारे 14 फंदे थे इनको हमने इसी तरह से सीधा सीधा बिन लिया। यहाँ पे अब आप स्टॉपर एक लगा दीजिए, ये देखिए। और अब यहां से देखिए एक सीधा एक उल्टा, 39 फंदे यानी कि 39 फंदे हम इस तरह से बिन लेंगे, एक सीधा एक उल्टा। या आप ये समझ लीजिए कि ये जो 14 फंदे हैं यहां तक ये पूरा हम बीच में जो ये 13-13 फंदों का है ये 3 सेक्शन, इन तीनों को हम सीधा उल्टा बिन लेंगे और लास्ट का ये जो है 14 फंदा यहां तक छोड़ देंगे। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे ये 13, ये 13, ये 13, टोटल 39 यानी कि 39 फंदे मैंने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना लिया है। और अब यहाँ पे फिर से ये आप एक स्टॉपर लगा लीजिए, आप चाहे तो पिन लगा लीजिए। और अब बाकी के जो 14 फंदे हैं इनको इसी तरह सीधा सीधा बिन लेंगे, ये पूरा सीधा सीधा बिन लेंगे। ये देखिए और लास्ट वाला फंदा उल्टा बिन लेंगे क्योंकि यहां से हमको इस तरह से सीधा सीधा बिनना है। तो अब इन 14 फंदों को एक बार फिर से हम सीधा सीधा बिनेंगे। ये देखिए ये हो गया। और अब ऊन अपनी तरफ करके ये जो हमने बॉर्डर बिना है देखिए इसको हम बॉर्डर की तरफ बिन लेंगे। बीच का जो 39 फंदे हमारे हैं, 39 फंदे इनको हम बॉर्डर की तरफ बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लास्ट 14 फंदे रहने तक यानी 14 फंदे रहने तक ये हम बीच का बॉर्डर बना लेंगे।
ये देखिए यहाँ तक ये बॉर्डर बन गया हमारा। अब फिर से ऊन पीछे करके बाकी के जो 14 फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा बिन लेंगे। लास्ट वाला फंदा उल्टा। इसी तरीके से दोनों तरफ से इन 14-14 फंदों को हम सीधा सीधा बिनेंगे और बाकी का बीच का जो है ये देखिए ये हम बॉर्डर की तरह बना लेंगे। जो हमारे ये 39 फंदे हैं इनको हम बॉर्डर बना लेंगे और ये 14-14 फंदे जो हैं दोनों तरफ से हम सीधा सीधा बिनेंगे। ये हमारी एक लाइनिंग आ गई है। टोटल 22 लाइनिंग यानी कि 22 लाइन हमारा ये उल्टा उल्टा हो जाना चाहिए, फिर हम आगे का पोर्शन बनाएंगे। ये बैक पार्ट इस तरह से अब हमारा ये ऊपर का बन रहा है। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन 22 लाइनिंग आनी चाहिए, एक हो चुका है यहाँ पे और बाकी का हम बना लेंगे। 21 लाइन और कर लेंगे और एक ये 22 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये इसकी लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है जितना मुझे चाहिए और अब ये 14 इंच इसकी लेंथ है और ये जो मैंने बनाया है 22 रोज ये आया है। ये देखिए ये 5 इंच है, ये देखिए यहां से यहां तक ये 5 इंच है, 13 सेंटीमीटर और 5 इंच। और ये देखिए यहां से देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22 इतना कंप्लीट हो गया है। अब पहले हम ये 14 फंदे बिन लेंगे। ये देखिए अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 7 फंदे ये हम रखेंगे। बीच में 25 फंदे हम घटा देंगे और यहाँ पे भी 7 फंदे रहने देंगे। टोटल 39 फंदे हैं यानी कि 39 फंदे हैं। बीच में जो नेक का पार्ट है वो 25 फंदे हम इसमें घटा देंगे। तो देखिए इस तरह से एक बार उल्टा और एक बार सीधा बिनेंगे और इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। फिर अगला फंदा देखिए उल्टा है, उल्टा बिनिए, ऊन पीछे करिए और इसको बंद कर दीजिए। फिर देखिए ये सीधा है, सीधा बिनेंगे और इसको ऐसे उल्टा बिन के ऊन पीछे कर लीजिए। फिर इस फंदे को इसके ऊपर से निकालेंगे तो बहुत आराम से ये हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 25 फंदे हम बंद कर लेंगे। ये देखिए ये हमने 25 फंदे घटा लिए। इस तरीके से घटाने से देखिए ये यहाँ पे बहुत ना टाइट रहेगा ना लूज रहेगा और ये क्योंकि इसमें अलग से हमको कोई बॉर्डर नहीं बनाना है तो ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अब बाकी के जो 7 फंदे हैं देखिए 2, 4, 6 और 1 ये 7 इनको हम जैसे बॉर्डर बिन रहे वैसे ही बिन लेंगे। ये देखिए और बाकी के ये फंदे भी
ये हमारी पहली सिलाई है गला घटाने के बाद। और अब सेम यही हमको बीनते हुए ये सात फंदे का बॉर्डर और उल्टे तरफ से भी ये हम सीधा सीधा बीनेंगे। ये जो हमारा 14 फंदा है इसको हम सीधा सीधा बीनेंगे। ये देखिए 14 फंदे सीधे सीधे, फिर ये जो बॉर्डर है सात फंदा, और ये इस तरीके से। ये दो सलाई हमने बना ली है, एक ये देखिए ये उल्टा पार्ट जो इसका है ये एक आ गया है, टोटल 8 आएगा यानी कि 16 सलाई। तो दो सलाई हमने बना लिया है, 14 सलाई हम इसको और इसी तरीके से बीनेंगे इस सात फंदों का बॉर्डर, और ये सेम पैटर्न 14 सलाई हम इसको और कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने टोटल यहां से 16 सलाई बना लिया है, और ये जो है हमारा ये देखिए 2 इंच है यानी यही आप मान के चलिए ये 5 सेंटीमीटर। ये हमारा ये नेक का ये जो फ्रंट नेक हम बना रहे हैं, अब ये फ्रंट पार्ट यहां से बन रहा है, और ये जो है टोटल ये 30 हो गया है यानी कि 22 था प्लस 8 यानी कि टोटल 30 ये लाइनिंग जो हमारी है ये हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे देखिए, यहां से इस तरह से सीधा बीनते हुए फंदा बढ़ाएंगे। तो अब देखिए ऐसे बिन लिया और ये फंदा ऐसे हम चढ़ा लेंगे इस सलाई पे, ऐसे 1 2 ये देखिए इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। टोटल 14 फंदे हमने बढ़ाए हैं। ये देखिए ये 7 फंदा और यहाँ पे टोटल 14 फंदे हमने और बढ़ा लिए हैं। अब ये हमारा ये 14 फंदा पहले से था, ये 7 फंदा और अब ये 14 फंदा। अब इसको भी हम बिन लेंगे। तो यहां से देखिए स्टार्ट करेंगे, पहला फंदा सीधा, इसको हल्का सा यहाँ टाइट कर लीजिए ताकि यहाँ पे लूज ना हो। अगला फंदा ऊन आगे करेंगे, उल्टा बीनेंगे, फिर ऊन पीछे करिए, सीधा बीनिए, जैसे अभी तक हम बॉर्डर बिनते आ रहे थे पीछे इसी तरह से। पहला फंदा सीधा, इसके बाद से एक सीधा एक उल्टा बिनते जाएंगे जिससे आपका ये जो 7 फंदा पहले था वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको संभालना होगा, बाकी बाद का ये फंदा जो है अच्छे से आपका बिन जाएगा। ये देखिए ये 14 फंदे हमने बिन लिए। अब यहां जहां से हमने फंदे बढ़ाने स्टार्ट किए थे, देखिए ये पहला फंदा, इसको सीधा बिनेंगे और बाकी जैसे हम बिनते आ रहे हैं इसी तरीके से इसको हम बिनते जाएंगे। ये देखिए और बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे, और अब इसी चीज को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। 8 लाइनिंग हमारी हो चुकी है फ्रंट पार्ट की, ये साइड वाली
बैक में जैसे टोटल 22 था, फ्रंट में भी हम टोटल 22 करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये जो हमने 22 किया था फ्रंट में भी 22 करेंगे, और इसकी लंबाई इसी तरीके से बिन के, जैसे हमारा ये यहां तक है, फ्रंट पार्ट भी बिन के इतनी लंबाई हमारी कवर कर लेगा। तो इतना पहले कवर कर लेते हैं, फिर बाकी का पोर्शन हम नीचे का बाद में बनाएंगे। पहले इसकी लंबाई यहां तक कर लेते हैं, और इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमको दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनना है, और ये जो बॉर्डर हम जैसे बिनते आ रहे हैं उस तरीके से बिनना है, और लंबाई हमको कंप्लीट कर लेनी है। टोटल ये जो हमारा है, जैसे बैक में 22 है, फ्रंट में भी 22, यानी कि टोटल ये जो रो आ रही है 44 हो जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मेरा ऊपर का भी टोटल 22 रो ये जो है लाइनिंग हो चुकी है, और नीचे का भी 22 मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया था। यहां से नीचे ये मेरा 22 है, और यहां से ऊपर ये 22 है। अब ये देखिए, ये इस तरह से इतना मेरा पोर्शन बन चुका है, और अब इसको आप इस तरह से रखिए तो ये देखिए, ये जो हम लोगों का यहाँ बॉर्डर स्टार्ट हुआ था ऊपर का, ये इतना हमारा बन चुका है। पीछे जो हमने जहां से ये बनाना स्टार्ट किया था यहां तक, ये हमारा ऐसे बन चुका है। अब हम ये जो हमारा पैटर्न था इसको बनाएंगे, प्लस बटन पट्टी बनाएंगे। ये ऊपर का पोर्शन है, और नीचे जो बॉडी का पोर्शन है उसमें हम यहाँ पे बटन पट्टी जो बनाएंगे वो भी रहेगा साथ में, प्लस ये दो डिजाइन हमारी बनेगी। तो स्टार्टिंग जब हम करेंगे, देखिए यहां से ये आएगा, और जब ये यहाँ पे सिलेगा, यहाँ हमने प्लेन बीना था, तो अब ये जो हमारे 14 फंदे यहाँ पे हम डिजाइन डालेंगे, और यहाँ का ये जो 13 फंदा है इसको हम प्लेन बीनेंगे, प्लस 8 फंदे का बटन पट्टी हम यहाँ पे बनाएंगे। तो पहली सिलाई देखिए, अभी तक ये हमने बॉर्डर बीना है, यहां से अब हम पहला फंदा उतार के, ये देखिए सीधी सीधी बिनाई करेंगे। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 फंदे हम बॉर्डर के रखेंगे। देखिए फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, ये हमारा जो सीधा सीधा बनेगा। और अब इन फंदों में हम डिजाइन डालेंगे, तो जैसे हमने बैक पार्ट में किया था, सबसे पहले 5 फंदा, 1, 2, 3, 4 और ये 5 सीधा बीनेंगे, यान ओवर करके पहला फंदा उतार लेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से, और ये उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से निकाल लेंगे, यान ओवर करेंगे, फिर बाकी के फंदे सीधे बिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट वाला फंदा उल्टा। अब इस साइड से आप चाहे तो बीच में स्टॉपेज लगा सकती हैं, या अगर आप बिन सकती हैं तो आप ऐसे ही बिन लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक पहला फंदा, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको उतार के 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे ऊन आगे करेंगे, ये जो 3 फंदों की हमने डिजाइन बनाई थी इसको हम उल्टा बिनेंगे, 1, 2, 3 ऊन पीछे करेंगे, फिर से 5 फंदा सीधा बिनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब ऊन अपनी तरफ करके 13 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और ये जो 8 फंदे हैं इनको हम उल्टा सीधा बिनेंगे, 1, 2,
तीन चार पांच छः सात और लास्ट वाला फंदा उल्टा आठ। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न सेट हो गया है ऐसे। अब ये आठ फंदे की हमारी बटन पट्टी जाएगी और ये हमारा डिजाइन यहाँ पे देखिए, जब हमारा पांच लाइन हो जाएगा फिर हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। और इसी तरीके से हमारा जो ये पैटर्न है देखिए, इन दो डिजाइनों का जो पैटर्न है जैसे जैसे चेंज होता गया दस दस सिलाइयों के बाद, उसी तरीके से इसको ये सात डिजाइन जो हमारा है इसको हम बना लेंगे और फिर हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये इस तरह से देखिए हमारा ये पैटर्न है, यहां से स्टार्ट हो गया है आठ फंदे का बॉर्डर प्लस ये तेरह फंदा और किनारे का ये चौदह फंदा। सेम जैसे हमने बैक में बनाया है, यहां से ये वाला आप काउंट करिए चाहे ये वाला काउंट करिए, सात लाइन हमारा बन जाएगा जब बॉक्स, तो हमारा ये नीचे का बॉर्डर बनेगा। तो ये इतना हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इसका फ्रंट पार्ट का ये जो लंबाई है ये भी कंप्लीट हो गया है, जितनी डिजाइन हमको चाहिए थी। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, सेवन हमारा बैक में भी है। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा देखिए, एक दो तीन चार पांच छः और ये सात, टोटल है ये इतना। तो अब हम ये इतना कंप्लीट करने के बाद देखिए यहां से अगर आप देखिए तो इस तरह से ये जो हमारा उल्टा उल्टा है ये देखिए, ये बॉर्डर ऐसे और ये टोटल इसकी लेंथ जो है नीचे के बॉर्डर बनने तक की ये जो लेंथ है ये हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब नीचे वाला हमारा जो बॉर्डर है वो हम बनाएंगे। तो ये देखिए राइट साइड में पांच लाइन है, एक दो तीन चार और पांच, और अब हम यहां से राइट साइड से ही बिनना शुरू करेंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनेंगे दस सिलाई, टोटल दस सिलाई। बैक में हमने नौ बिना था क्योंकि हमने रॉन्ग साइड से स्टार्ट किया था, लेकिन फ्रंट का जब हम ये बनाएंगे तो इस तरीके से दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए दस सिलाई बिनेंगे और ग्यारहवीं सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई डिजाइन नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे ये डिजाइन का पैटर्न खत्म हो चुका है। अब अगर हमें डिजाइन बनाना होता तो हम यहाँ स्टार्ट करते, लेकिन अब कुछ नहीं करना है, बस दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए दस सिलाई बिनने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो दस सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से बिनते हुए। ये देखिए ये इसकी टोटल लंबाई पूरी हो चुकी है, यहाँ पे ये टोटल दस सिलाई मैंने बनाया, तो एक दो तीन चार और ये पांच लाइन कंप्लीट हो गया ये नीचे के बॉर्डर का। अब हम इसको बंद कर देंगे। तो बंद नॉर्मली जैसे हम सीधा बिनते हुए करते हैं इसी तरीके से इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। तो ये एक साइड का हमारा जो पल्ला है फ्रंट का ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरे साइड का बनाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से इसको उतारते हुए हम बंद कर देंगे सारा फंदा। ये देखिए इस तरीके से, और यहां वाला यहां से आप ऐसे भी बंद कर सकती हैं चाहे, तो ये दोनों ऐसे लेके भी इसको हम इस तरह से, ये देखिए ये जो है ये नीचे वाला इसको भी इस पे चढ़ा लीजिए ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पे आपका ज्यादा कोना नहीं निकलेगा और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और अब इसको आप खींच के इसमें से हम ऊन कट कर लेंगे जितने से आप आसानी से सिल सकें इस तरीके से। तो ये देखिए ऐसे ये एक साइड हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से, और अब इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी हम बीनेंगे। तो देखिए यहां पे
यहाँ से बिनते हुए फिर हमने यहाँ फंदा घटाया था और फिर इधर हमने कम्प्लीट किया था। तो अब देखिए यहाँ से ये पहली सिलाई हमने बिन ली है, यहाँ पे ये हमने टोटल 16 सिलाई बनाया है जिससे कि 8 लाइनिंग आई है, यानी कि ये जो उल्टा उल्टा हमारा है देखिए यहाँ से लेके और ये जो हमने फंदा बढ़ाया यहाँ तक टोटल ये 30 लाइनिंग आई है। अब यही सेम चीज हम इसमें करेंगे, तो यहाँ अब हम इधर से दूसरा ऊन लगा के बिनना शुरू करेंगे। तो देखिए ये एक सिलाई हो चुका है, इधर से हम जब बिनना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी दूसरी सिलाई बनेगी। तो चलिए इसी तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। ये यहां से थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ऊन लीजिए, इसको बाद में हम सिल के सुई से या क्रोशिया से जैसे भी अंदर की तरफ फंसा देंगे। मैंने बड़ा ही टुकड़ा लिया हुआ है देखिए यहाँ पे और इसको हम बाद में फंसा देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई हो जाएगी, ये जो 8 फंदे हमारे हैं, सॉरी 7 फंदे, ये इसको हम इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे अपना डिवीजन के लिए ऊन लगा सकती हैं। अब इसके बाद के जो फंदे हमारे हैं ये 14 फंदे किनारे के, इसको हम ऐसे सीधे सीधे बिन देंगे। तो यहां से अब फ्रंट पार्ट का ये जो हमारा गार्टर स्टिच आएगा या उल्टी बिनाई जो वायर ये हम बिन रहे हैं ये पहला हो जाएगा। तो बैक साइड का टोटल 22 है यानी कि 22, ये देखिए इस तरीके से बैक का जो 22 है इसको आप चाहे तो निशान लगा सकती हैं। यहां पे ये देखिए अब ये पहला हो गया, यहां पे हम ये निशान लगा देंगे कि इतना हमारा बैक है इस तरह से। अब ये जो आया है यहाँ पे देखिए टोटल जो 8 हो जाएगा तब हम फ्रंट का फिर और फंदा बढ़ाएंगे। तो अब ये देखिए यहां से अब ये हमारी 8 लाइनिंग हो जाएगी, यानी ये 14 फंदे जो है इसको हम बॉर्डर बनाएंगे और बाकी के जो 7 फंदे हमारे हैं उसको हम ऐसे एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे। ये करते हुए ये 8 लाइनिंग यानी कि 16 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। 2 सिलाई हमने बना लिया है, 14 सिलाई हम इसको और बनाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे आप इसको इस तरह से नॉट एक लगा सकती हैं और बाद में इसको हम सुई या क्रोशिया से अंदर की तरफ फंसा देंगे ये। और अब ये देखिए ये जो हमारा है यहां से ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे का ये हमारा ये एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर है ऐसे, और ये इधर हमारा 14 फंदा है। तो इसको अब कंप्लीट कर लेते हैं, इसको हम बाद में सुई से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए यहां पे मैंने 16 सिलाई यानी कि देखिए ये जो मैंने पिन लगाया था इसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये अभी जो मैंने बनाया टोटल 8 लाइनिंग हो गई है। तो अब हमारा ये गले का पोर्शन जो है ये बन गया है। अब यहाँ पे हमको फंदे बढ़ाने हैं जैसे हमने इस साइड पे बढ़ाए थे इसी तरह से यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो अब ये 8 लाइनिंग हो गई है, अब इधर से फिर जब हम बीनेंगे देखिए सबसे पहले ये 14 फंदे, ये हो गए 14 फंदे और अब ये बॉर्डर जो हम बना रहे हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 7 फंदा जो अभी तक हमारा चल रहा था। अब हम यहाँ पे फिर से 14 फंदे और बढ़ाएंगे, तो वो हम सीधा बिनते हुए बढ़ाएंगे ऐसे, देखिए 1 2 3
चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह। ये हमने बढ़ा लिए फंदे और अब हम इसको बीनेंगे। देखिए पहला फंदा इधर से उल्टा फिर सीधा। अगर आपको ये न समझ में आए तो आपने अभी तक जो सात फंदे का बॉर्डर बनाया है उसको आप काउंट कर लीजिए, लास्ट में आपका जो आता है उसी को फिर आप बनाइए। तो इस तरह से देखिए ये जो चौदह फंदे हमने बढ़ाए हैं इसको भी और प्लस जो हमारे पहले के सात फंदे थे वो, इस तरह से एक सीधा एक उल्टा का हम बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा उल्टा और अब यहां हमारा देखिए जो पहले से बॉर्डर है इस पे ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया। ये तो अब ये फंदा बढ़ाने के बाद मैंने ये पहली सिलाई बनाई है। अब इसी तरह से यहां पे जब हम ये आएंगे तो देखिए ये हमारा एक और आ जाएगा यानी कि नौवीं लाइन आ जाएगी। और अभी तक अगर हम देखें नीचे से तो ये तीस लाइनिंग हमारी हो गई है। तो मैं यहाँ पे अब पिन लगा देती हूँ। ये जो हमारा उल्टा उल्टा बिनाई है यहाँ नीचे बाईस था, इसके बाद देखिए तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और ये तीस, ये तीस हो गया। यहाँ पे अब मैं पिन लगा देती हूँ। अब यहाँ पे इस पल्ले में हम बटन होल भी बनाएंगे। तो देखिए ये 30 हो चुका है, जब हमारा 33वां ये बनेगा 33 बन जाएगा या आप ये मान के चलिए कि 33वें में हम इसमें बटन होल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पिन लगा दिया है। बटन होल कैसे बनाएंगे मैं आपको ये चार सिलाई बिन के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे यहाँ हमने पिन लगाया था, देखिए एक दो तीन लाइनिंग हो गई यानी कि टोटल 33वां ये हमारा जो बॉर्डर आ रहा है ये लाइन कंप्लीट हो गई है। और ये जो मैं काउंट कर रही हूँ टोटल यहाँ पहले से काउंट कर रही हूँ तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। यहां से मैं काउंट कर रही हूँ तो यहां तक मेरे 30 लाइनिंग ये हो चुके हैं। अब यहां से देखिए ये तीन हो गया है तो अब मैं यहाँ पे बटन होल बनाऊंगी। तब देखिए सबसे पहले ये स्टार्टिंग के मैं बिन लेती हूं। ये जो 14 फंदे हैं ये जैसे बीने जा रहे हैं अभी तक वैसे ही बीने जाएंगे जब तक कि इसके बाजू की लंबाई नहीं पूरी हो जाती है। ये हो गया अब बॉर्डर, ये देखिए यहाँ पे इसी तरह से हम इसको बीनेंगे। ये देखिए इस तरह से ये चार फंदे देखिए रह गए हैं। अब उनको ऐसे सिलाई पे करके दो फंदे एक संग देखिए ये जो एक उल्टा है और एक सीधा इसको हम ऐसे सीधा बीन देंगे फिर उल्टा और सीधा। इधर से सेम वही जैसे हम अभी तक बॉर्डर बिनते आ रहे हैं, पहला फंदा उतार के उन पीछे कर लीजिए ये सीधा ये और ये जो जाली है इसको रॉन्ग साइड से हम ऐसे सीधा बिनेंगे। बाकी आप इसी तरह से कंटिन्यू करते जाइए। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको बाकी दो बटन होल इसमें और बनेंगे। तो देखिए ये मैंने बनाया तीन लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद, 30 के बाद जो 33 लाइन मेरी कंप्लीट हो चुकी है यानी 33 लाइन। अब इसके बाद जो मैं बनाऊंगी टोटल 38 लाइन यानी कि अभी पांच लाइन इसके बाद और हो जाएगा। और तीसरा जो मैं बनाऊंगी 43 लाइन कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट हमारा 44 वाला आएगा वहां पे।
तो इस तरीके से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बटन होल तीन बनाया है इसमें हमने। बाकी अगर आपको चाहिए कि आप पूरे में बनाएं तो आप अपने स्वेटर के हिसाब से इसका डिवीजन कर सकती हैं, क्योंकि ये एक ऊपर से जैकेट शो के लिए पहनाने के लिए है। गर्ल्स को किसी स्वेटर के ऊपर से डाल दीजिए या टॉप के ऊपर से डाल दीजिए। तो मैंने ये देखिए एक बना लिया यहाँ पे। आप चाहे तो एक सिलाई पहले भी बना सकती हैं, मैंने यहाँ बनाया है। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार लाइन कंप्लीट हो गया है, टोटल चार और हो जाएगा, यानी कि यहाँ इसको अगर आप छोड़ दीजिए तो टोटल 38 लाइन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अगला बनेगा, और 43 लाइन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तीसरा बनेगा। यहां से आप काउंट करिए तो अब आप ये मान के चलिए कि ये तीन हो चुका है, आठ हो जाएगा तो, और फिर 12-13 हो जाएगा तो तीन हम बनाएंगे। इसके बाद फिर हम इसके आगे का सेम ऐसे जैसे हमने ये वाला फ्रंट पार्ट बनाया है सेम इसको भी बनाएंगे। तो पहले मैं दो बटन होल और बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें आगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे ये एक दो बटन होल मैंने बना लिया है। यहाँ पे मैं तीसरा बटन होल बनाऊंगी, और ये देखिए यहाँ जो मैंने पिन लगाए थे यहाँ पे टोटल ये 30 लाइन जो है कंप्लीट हो चुकी थी। फिर एक दो तीन यानी 33 लाइन पे मैंने एक बनाया, फिर यहाँ यहीं से आप काउंट करिए देखिए 33 34 35 36 37 38 इसके बाद मैंने ये दूसरा बनाया है बटन होल। और अब ये यहां से फिर अगर आप काउंट करिए तो देखिए 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और ये 43, या आप ये मान के चलिए कि 10-10 सिलाई पे हमने ये बटन होल बनाया है। अब यहाँ पे एक और बनेगा, तो पहले मैं इतना बिन लेती हूँ चार फंदा रहने तक। ये देखिए अब चार फंदा रह गया जैसे हमने पहला बनाया था बटन होल। अब इसको ऊन को सिलाई पैसे लपेट लेंगे जाली के लिए, और ये एक उल्टा और एक सीधा दोनों को एक संग सीधा बिन देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा बटन होल बन गया देखिए ये, फिर लास्ट का और ये। अब ये वाली सिलाई लास्ट हम जब बीनेंगे तो टोटल हमारा जो ये है ये देखिए 44 हो जाएगा, 22 एक साइड 22 एक साइड, तो ये लेके टोटल 24 रो जो हमारा ये बाजू का बनेगा एक तरह से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रॉन्ग साइड से भी पहले इसको हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से जैसे भी हम बिन रहे हैं। और अब ये हमारी लास्ट लाइन है यहाँ पे इस बॉर्डर की, या आप बोलिए योक की, क्योंकि ऊपर का ये पोर्शन है। तीन बटन यहाँ पे लगेंगे, तीन बटन होल मैंने बना लिया है। आप अगर नीचे और रखना चाहती हैं बटन तो ये जो गैपिंग है इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा और नीचे में आप बटन लगा सकती हैं। मैं सिर्फ ऊपर बॉडी पार्ट का जो है पोर्शन उतने में ही लगाऊंगी। तो ये देखिए ये बॉर्डर, यहाँ पे ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और अब इसके नीचे हम फिर से डिजाइन अपना स्टार्ट करेंगे। किनारे का ये 14 फंदा, ये लास्ट, और अब देखिए ये इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहां पे ये हमारा प्लेन था, तो यहाँ जब हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे अपना तो यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे जैसे हमने इस साइड पे किया है। देखिए यहाँ पे भी स्टार्टिंग जो हमने की है वो यहाँ डिजाइन से किया है, यहाँ प्लेन है, फिर ये हमारी बटन पट्टी है, यहाँ पे हम यहाँ बटन लगाएंगे और इस साइड में हमने बटन होल बनाया है। देखिए एक दो और ये अभी जो हमने बनाया तीन, तीन बटन होल बन चुके हैं। तो अब चलिए डिजाइन स्टार्ट करते हैं यहाँ से बनाना। तो सबसे पहले
पहला फंदा जो हम काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद एक दो तीन चार पांच यार्न ओवर करेंगे, इसके बाद एक फंदा उतारेंगे, दो फंदे एक संग सीधे बीनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे यार्न ओवर। फिर आप ये मान के चलिए कि अब सारे फंदे हमारे सीधे सीधे हैं, क्योंकि ये राइट साइड है, तो ये पांच फंदे पहले, फिर भी आप काउंट कर लीजिए, देखिए एक दो तीन चार पांच, ये इतने हमारे जो है ये साइड के डिजाइन के हैं। ये देखिए इस तरीके से, अब आप चाहे तो यहां डिवीजन कर सकती हैं, इस तरह से आप चाहे तो ये लगा लीजिए या आप पिन भी यहां पे लगा सकती हैं। अब इसके बाद ये देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह, ये फंदे जो बीच में हमारे सीधे सीधे रहेंगे। यहां पे भी अब इस तरह से हम एक डिवाइड कर लेते हैं फंदे को, और इसके बाद के जो फंदे हमारे हैं देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात और ये लास्ट वाला फंदा आठ, ये इतने फंदे हमारे जो है ये बॉर्डर के हैं। तो इसको लास्ट हमने उल्टा इसलिए बीना है कि अब यहां से आठ फंदे जो हैं वो मैं सीधे सीधे बीनूंगी। तो ये पहला फंदा उतार के देखिए दो तीन चार पांच छः सात और आठ, ये हो गए सीधे, ऊन आगे करेंगे, तेरह फंदे उल्टे बीनेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह, ये हमने उल्टे बीन लिए, ऊन पीछे करेंगे। सबसे पहले पांच फंदे हम सीधे बीनेंगे, देखिए एक दो तीन चार और पांच, ऊन अपनी तरफ करेंगे, ये तीन फंदे की जो डिजाइन थी इसको हम उल्टा बीनेंगे। तो ये देखिए जाली जो हमने डाला था, ये जो हमने तीन का एक किया था और ये जाली, इसको हम उल्टा ही बीनेंगे, ऊन पीछे करेंगे, पांच फंदे हमारे फिर से सीधे, एक दो तीन चार पांच और लास्ट वाला फंदा उल्टा। तो ये हमारा पैटर्न है, ये देखिए अब यही पैटर्न हमारा नीचे बनेगा, यहां तक का ये हमारा ऊपर का योग का पोर्शन बोलिए या बॉडी का पोर्शन बन चुका है। अब नीचे हमारा जो है ये देखिए ये घेर का पोर्शन है, यही इतना सात डिजाइन हम फिर से डालेंगे, कोई बटन होल अब नहीं बनाना है, इतनी ही कम्प्लीट लंबाई कम्प्लीट करने के बाद सारे फंदे हम फिर से बंद कर देंगे। तो ये देखिए ये है हमारा, सेम चीज है, बस इसमें बटन पट्टी पहले था, इसमें बटन पट्टी यहाँ पे है, स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए बिनते हुए सारा डिजाइन, ये सात डिजाइन कंप्लीट जब हो जाएगा, एक डिजाइन एक प्लेन, एक डिजाइन एक प्लेन, दोनों को लेते हुए ये देखिए एक ये प्लेन है फिर डिजाइन है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, फिर इसी तरीके से ये दस लाइन बनाएंगे और इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है और मैंने यहाँ पे धागा कट करके पीछे की तरफ ये सुई से फंसा दिया है और ये इस तरह से ये हमारा टोटल कंप्लीट है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ मैंने सेम मैचिंग का तीन बटन लगा दिया है, आपको ना मिले आप कंट्रास्ट में व्हाइट या आप कोई भी ट्रांसपेरेंट बटन जो भी आपको मिलता है आप यहाँ पे बटन लगा सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा अगर आपको पूरे में बनाना है तो आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए आपकी कितनी कितनी गैपिंग आती है, उस हिसाब से आप लगा सकती हैं। और मेरा जैसा कि ये मैंने कहा कि ऊपर से वेस्ट है सो के लिए है, तो आप इसको ऐसे भी पहना सकती हैं।
यहाँ भी जो हमने धागा ये लगाया था देखिए, इसको भी मैंने फंसा दिया है। तो अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा धागा कहीं नहीं बचा है, देखिए यहाँ पे सिल के मैंने इसको लंबे तक खींच के ये धागा सुई से फंसा दिया है। अब इस साइड की ये मैंने सिलाई भी कर दी है। सिलाई बिल्कुल नॉर्मल करनी है, जैसे भी आपको आती है आप वैसे सिलाई कर सकती हैं। बस ये देखिए ये जो उल्टा उल्टा है इसको आप अच्छे से पॉइंट बना लीजिए। जैसे इस साइड का है देखिए, ये हमारा 1 2 3 4 5, इसके बाद का ये जो लाइनिंग है और इस साइड तो हमारा क्लियर है। इन दोनों को आप चाहे तो ऐसे पिन से, ये देखिए 1 2 3 4 5 के बाद हमारा ये जो आ रहा है ये उल्टा उल्टा, ये जो हमने उतारा है ये देखिए 1 2 3 4 5, इसके बाद ये आ रहा है हमारा ये, और यहाँ का ये जो है देखिए फर्स्ट वाला ये, यहाँ तक आप ऐसे पिन लगा दीजिए जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ अब ये इतना ऊपर का हमको ये हिस्सा हमको खुला रखना है शोल्डर के लिए, बाजू के लिए, जो भी आप बोलिए, और इतना पोर्शन जो हमारा है इसको हमको सिल लेना है। अब इसकी सिलाई में बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपका ये देखिए ये जो लाइनिंग है 1 2 3 4 5, ये आपका ऐसे एक बराबर आए इस तरह से यहाँ पे, और इसके बाद देखिए एक हमारा आएगा ये प्लेन पार्ट, एक आएगा हमारा लाइनिंग पार्ट, तो इन दोनों को हम इस तरह से ऐसे मैच करेंगे। एक पे देखिए, एक पे ये नहीं आएगा हमारा, ये ऐसे आएगा इस तरीके से। यहाँ पे हमारा ये प्लेन है, यहाँ पे ये हमारा लाइनिंग वाला डिजाइन आना चाहिए, ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ ये लाइनिंग है, यहाँ प्लेन आना चाहिए। बस आप इतना ख्याल रखिएगा, आपका ये अच्छे से सेट हो जाएगा। सिलाई आप अपने हिसाब से नॉर्मल जैसे भी कर सकती हैं आप कर सकती हैं। अब देखिए इस तरह से धागा ले लेंगे सुई में, और ये जो हमने फंदे उतारे हैं ये, और ये जो है देखिए यहाँ इस तरह से लेके आप यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। थोड़ा इसको हम बड़ा ही रखेंगे ताकि हम ऊपर तक इसको फंसा सके, और ऐसे डबल नॉट लगा दीजिए। और ये जो पहले फंदे हमारे उतारे हुए हैं किनारे के, इन फंदों को ऐसे, ये देखिए इन दोनों साइडों के फंदों को बस आप सुई में ऐसे फंसाते जाइए इस तरीके से, और इसको सिलते जाइए दोनों को। देखिए पहला जो हमने उतार रखा है इसको ऐसे, आपको अगर लगता है कि आपका डिजाइन सेट नहीं होगा तो आप राइट साइड से जितने भी हमारे ये सेक्शन हैं, ये ऐसे, ये देखिए इस तरीके से जितने भी ये सेक्शन आ रहे हैं यहाँ यहाँ, आप चाहे तो ऐसे पिन लगा लीजिए जिससे आपको ये अंदाजा लग जाए कि इतना मेरा लाइनिंग का पार्ट है, इतना हमारा इस साइड लाइनिंग है, ये प्लेन है, और ये देखिए ये जो 1 2 3 4 5 लाइनिंग है वो जब हम सिलेंगे तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। जैसे देखिए इधर हमने किया है, ये देखिए इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको सिल लेंगे, क्योंकि सिलाइयां तो बराबर है, यहाँ दोनों तरफ ये जो उल्टा उल्टा बिना है सीधा सीधा दोनों तरफ से, तो इसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये जो प्लेन पार्ट है ये लगता है कि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो हमने फंदे उतारे हैं वहां तो हमारे बराबर है, तो उसी हिसाब से मिलाते हुए हम इसको सिल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सिलाई, कुछ नहीं करना है इसमें, बस दोनों तरफ के उतारे हुए फंदे को सुई में फंसाते जाइए और आपकी ये सिलाई अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, दोनों साइड के फंदे को इस तरह से मिलाते हुए, और ये हमारा बिल्कुल लास्ट आ गया है, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसको निकाल देंगे, आप इधर से भी देख लीजिए, देखिए ये कंप्लीट है।
यहाँ पे एक बार और अच्छे से इसको फंसा देंगे और साथ में नॉट भी लगा देंगे। एक बार और फंसा दीजिए और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम नीचे की तरफ थोड़ा दूर तक फिर से ऐसे रिटर्न कर देंगे और अब इसको एक्स्ट्रा हम जो है इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा पूरा सिल चुका है, ये इस तरीके से। आप इसको अपने मनपसंद किसी भी कलर में बना सकती हैं। ये देखिए आप चाहें तो अंदर व्हाइट टॉप या व्हाइट फुल स्वेटर के ऊपर इसको सिर्फ ऐसे पहना सकती हैं, बहुत अच्छा लगेगा, या आप ऐसे हल्के ठंड में भी इसको पहना सकती हैं। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।